संगीत जमींदारों का जुल्म अर्फ डाकू बनी। ये तरह हमारी कहानी का नाम, कुछ कहानी का सारण संगीत की तरफ से। आप लोग जरा गौर करिएगा कि यह कहानी कहाँ की लिखी गई है और कैसे तैयार हुई। मास्टर साहब मुराजा फरमाइए। और जिला गाजिया इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान पेश होते हैं और देखें क्या बातचीत करते हैं। मुलाजा फरमाइए, पेश होते हैं इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, वेलकम। आए हुए मेहमान व बैठे हुए अतिथियों को इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। दूर दराज जिला सुल्तानपुर शहर सरजमी, जिला गाजियाबाद, थाना रियासत रतनपुर, थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय सिंह। इन्हीं बातों के साथ साथ मैं आप लोगों को अपने छोटे से परिवार के विषय में बताऊंगा। मैं अपने परिवार और अपने फैमिली में सिर्फ तीन लोग रहते हैं। एक हम हैं जो अपने आप को भारत देश के जाबाज अफसर इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान कहलाते हैं, और एक हमारा छोटा भाई है जिसका नाम सूरज सिंह चौहान है। हमारा छोटा भाई सूरज जब बहुत ही छोटा सा था तभी हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपने छोटे भाई को बड़े लाड़ प्यार से पाला, कभी इस दुनिया में उसे यह एहसास होने नहीं दिया कि इस दुनिया में उसके माता पिता नहीं। जिस जिस जगह पर उसने अपने कदम को रखा वहां वहां पर हमने अपना दिल बिछा दिया। जिस जिस जगह पर हमारा ट्रांसफर हो जाता है मैं अपने छोटे भाई को हमेशा अपने साथ रखता हूं। इस समय हमारा ट्रांसफर जिला गाजियाबाद थाना रियासत रतनपुर हुआ है। मैं अपने छोटे भाई को अपने जिला सुल्तानपुर से जिला गाजियाबाद थाना रियासत रतनपुर। बस दिल के अंदर ये कई अरमान च्वाइस है कि जिस तरीके से पढ़ लिखने के बाद हम इस मुल्क इस देश की हिफाजत करते हैं, काश अगर उसी तरीके से हमारा छोटा भाई सूरज पढ़ लिखने के बाद कोई ना कोई नौकरी पा गया तो हमारे जिला सुल्तानपुर के लोग ये नहीं कहेंगे कि खुद तो एक अफसर था लेकिन अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया। एक हमारी पत्नी है जिनका नाम एडवोकेट किरण सिंह चौहान है। हमारी पत्नी किरण BLLB करने के बाद अदालत में बैठ करके वकालत करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे साफ ही शब्दों में मना कर दिया कि किरण काश अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गई तू तो हमारे छोटे भाई सूरज की पढ़ाई का करियर बर्बाद हो जाएगा। हमारी पत्नी किरण वो पति के सारे फर्ज निभाती है जो एक पत्नी को निभाना चाहिए। माता जी से मुरादे मांगा था कि माँ जिस दिन हमारे स्वामी का अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाएगा उस दिन माँ मैं नंगे पैर आकर के तुम्हारे दर पे पूजा अर्चना करूंगी। आज हमारी पत्नी माता जी के मंदिर गई हैं, काफी समय हुआ लेकिन अभी तक माता जी के मंदिर से वापस नहीं आई है। खैर कोई बात नहीं, जब तक हमारी पत्नी किरण माता जी के मंदिर से वापस नहीं आती है तब तक अपनी पत्नी किरण का बैठ करके बैठ कर
और ईशानी जी के चरणी में बसे है सरी की हवा। क्या कहा किरण कि स्वामी जी के चरण में बसे स्वर्ग हमार। हाँ स्वामी। और तुम तो हो स्वामी मेरे, मैं हूं तुम्हारी मां। किरण स्वामी पति के चरणों में पत्नी का स्वर्ग होता है। हाँ स्वामी। न जाने कौन से पूर्व जन्म में कर्म किया था किरण, जिसकी वजह से आज तुम्हारे साथ हमें जीवन व्यतीत करने का मौका मिला। मैं तो परम पिता परमेश्वर से बस दिन रात एक ही दुआ करता हूं कि या परमात्मा या मेरे मालिक, जब जब इस धरती पर जन्म हो तो हमारी पत्नी किरण हमेशा हमारे साथ हो। किरण हम भी भगवान से दुआ मांगती हूँ कि जब जब हम धरती पर जन्म ले तो हमारे स्वामी का सदा प्यार मिले। कितने अच्छे संस्कार हमारी पत्नी किरण के। किरण इन्हीं बातों के साथ साथ मैं भी अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहूंगा। अरे तुम तो हो देखकर हमें सारी दुनिया की खुशी मिल जाती है। और तुम तो हो इस दुनिया में मेरा है ही क्या। अर्धांगिनी तुम जीवन की डोर और एक हंसी का पेतरी चाहे ना कुछ और। किरण स्वामी इन्हीं बातों के साथ साथ हम तुम्हें एक विशेष खुशखबरी बताएंगे। कौन सी स्वामी? तुम्हारा जो वो छोटा सा लाड़ीला देवर है। हाँ स्वामी। सूरज सिंह चौहान। हाँ स्वामी। मैंने उसका एडमिशन गाजियाबाद के विश्वविद्यालय में करवा दिया है। तो अच्छी बात है स्वामी। मैं सोच रहा हूँ कि हम थाना रियासत रतनपुर रह करके रतनपुर निवासियों के लोगों को इंसाफ दिलवाऊं और अपने छोटे भाई का नाम लिखा करके उसकी पढ़ाई पूरी। इसलिए कॉलेज का उसका आज पहला दिन है, तुम अपने लाडले देवर को आवाज दो और
सूरज से बोल दो कि तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आ जाओ। बेटा स्वामी, बेटा सूरज जल्दी आओ, देखो तुम्हारे भैया कितनी देर से वेट कर रहे हैं। शीश झुका ऊंचरा और शीश झुका जरूरत नहीं है, अचानक बुलाने का मतलब है कि सूरज हम तुझे जरूर बताएंगे। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि अचानक मेरे बड़े भैया अपने पास में क्यों बुलाए। सूरज, मैंने तेरा एडमिशन गाजियाबाद के विश्वविद्यालय में करवाया है। अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हम पढ़ लिखने के बाद अपने जिस्म पर कानून की वर्दी धारण करने के बाद हम इस मुल्क और इस देश की हिफाजत करते हैं, उसी तरीके से काश अगर तू पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस मुल्क इस देश की हिफाजत करने लगेगा तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब इंसान। सूरज, आज तेरा कॉलेज का पहला दिन है और कॉलेज की गेट पर जब तू जाएगा तो बैठा कॉलेज की गेट पर गेटमैन तुझे कॉलेज के विषय में सारा हाल बताएगा। लेकिन कॉलेज जाने से पहले आज सूरज हम तुम्हें एक नसीहत देंगे। नसीहत? हाँ, और हमारी उस नसीहत को कभी अपने दिलों और दिमाग से मत हटा देना। भैया, आप जो नसीहत हमें देंगे, हम आपसे वादा इरादा दावा के साथ में कहते हैं कि आपकी दी हुई नसीहत को कभी अपने दिलों और दिमाग से। सूरज, जरा गौर कर, किस दुनिया में तेरी और मेरी क्या औकात थी।
सच कह। जिस वक्त माता पिता छोड़ करके उस भगवान को प्यारे हुए तो अपने जिला सुल्तानपुर के लोग यही कहते थे कि ये इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान खुद अपनी जिंदगी संवार नहीं सकता तो अपने छोटे भाई को क्या संवारेगा। सच कहते। लेकिन आज देखो उस ऊपर वाले का रहमो करम हुआ और हम तुम दोनों भाई कहां से कहां गए। कहने का मतलब इंसान क्यों ना कितना बड़ा हो जाए लेकिन कभी उससे अपनी अहमियत और औकात को भूलना नहीं चाहिए। अपने से बड़ों को हमेशा सम्मान करना चाहिए और अपने से छोटों को हमेशा अपना भाई। कानून कभी जज्बातों की कद्र नहीं करता सूरज, और कानून के कोई रिश्ते नहीं होते। नजरें झुका करके क्वार्टर से कॉलेज को जाना और समय होते ही छुट्टी पाने के बाद नजरें झुका करके वापस क्वार्टर पर आना, हर किसी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना, किसी से लड़ाई व झगड़ा मत करना कभी नहीं, और भूल कर कोई अपने से कदम को मत उठा देना जिसकी वजह से हमें मजबूर होकर तेरे हाथों में हथकड़ी। भैया आपकी बात भैया न भूलो कभी, आपकी बात भैया न भूलो कभी, गलत राह पे रखूं अपने कसम, आपकी बात भैया न भूलो कभी, गलत राह पे रखूं अपने से जाओ काले को भाई मेरे, शौक से जाओ काले को भाई मेरे, मैं भी थाने को हो से जा बकाले
शौक से जाकर के कॉलेज में पढ़ाई करना और किसी बात की चिंता मत करना, बस बसरते याद इतना रहे कि तेरे भाई का कभी तेरी वजह से शर्म से सर नीचा ना होने पाए। नहीं भैया, अगर इसी प्रकार आप मुझे पढ़ाते लिखाते रहे तो हम आपसे वायदा इरादा दावा के साथ में कहते हैं कि जिला सुल्तानपुर से लेकर के जिला गाजियाबाद तक इन दुनिया वालों को दिखा देंगे कि हम एक भाई भाई। तो जानता है कि तेरे प्यार के बढ़ाने की वजह से आज तक अभी कोई हमने परिवार नहीं बनाया। सोचता हूँ काश अगर हमारे बीच कोई तीसरी संतान आ गई तो हमारे छोटे भाई सूरज का प्यार हमसे जुदा होने लगेगा। इसलिए सूरज क्या कहना चाहता है भैया? और हम भाई भाई है, और हम भाई भाई है, दुनिया को दिखा देंगे भाई भाई जिला गाजियाबाद विश्वविद्यालय में करवा दे, बहुत अच्छा किया। आज कॉलेज का हमारे लिए पहला दिन। जी हाँ भैया, आज मैं कॉलेज तो जाऊंगा, क्यों नहीं, लेकिन कॉलेज जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। कौन सी सूरज? भैया, आज जब कॉलेज से मैं छूटूंगा तो कॉलेज छूटने के बाद मैं जिला गाजियाबाद मार्केट ठेलना चाहूंगा। व्हाट, पहले दिन में तो गाजियाबाद की सैर सपाटा करना चाहता है? जी हाँ, क्योंकि ना जाने कब किस चीज की आवश्यकता में पड़ जाए और मैं पता भी ना चले कि कौन सी चीज कहाँ पे मिलती है। खैर कोई बात, इसलिए आज ही पहले पता कर लेता हूँ कि मार्केट कहाँ। खैर कोई बात नहीं, जब तेरे दिल के अंदर यही अरमान च्वाइस है तो जाकर के गाजियाबाद के शौक से मार्केट टहलना, लेकिन याद रहे सूर्य डूबने से पहले वापस क्वार्टर पर आना है। क्यों नहीं भैया, आप शौक से जाए रियासत रतनपुर थाने के लिए ड्यूटी, और मैं जा रहा हूँ जिला गाजियाबाद विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय से छूटने के बाद जाऊंगा जिला गाजियाबाद मार्केट ट्रेनिंग के लिए, और सूरज डूबने से पहले अपने क्वार्टर अवश्य। ओके, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो। यही हमारा छोटा भाई जिसका नाम हमारे माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से सूरज रखा था। बस दिल के अंदर एक ही अरमान च्वाइस है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस मुल्क इस देश की हमारी तरीके से हिफाजत करने लगे, ताकि हमारे जिला सुल्तानपुर के लोग ये ना कह सके कि खुद तो एक विजय सिंह चौहान अफसर था लेकिन अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया। किरण स्वामी, काफी देर से बैठ करके तुम्हारा हम यहाँ पर बैठ कर रहे थे, लेकिन न जाने कितना समय मंदिर में लगा दिया। काश अगर समय से तुम आ गई होती तो अब तक हम थाना रियासत रतनपुर पहुंच गए होते। समय से अगर थाना रियासत रतनपुर नहीं जाएंगे तो ये लोग रियासत रतनपुर के हमारे विषय में क्या कहेंगे? स्वामी जी तो चाहता है कि हर समय हर वक्त हमारे नजरों के सामने रहो। किरण
हर कोई पत्नी चाहती कि हमारा पति हमारे सामने रहे, लेकिन क्या करूं, तुम तो जानती हो कि पुलिस की नौकरी ना ही तो खाना खाने की फुर्सत और ना ही तो नहाने की फुर्सत, हर वक्त ड्यूटी ड्यूटी ही लगी रहती है। तुमको ड्यूटी पड़ी है और घर की ड्यूटी कौन करेगी, हमें नहीं बोलूं घर की ड्यूटी। अरे घर की ड्यूटी तो किरण तुम करोगी, घर की ड्यूटी हम करेंगे तो रियासत रतनपुर के लोगों का क्या हाल होगा। अरे हमारी ड्यूटी और किसकी, तो हम अब तुम्हारी ड्यूटी करें और क्या। मैं कुछ समझ नहीं सका तुम्हारी बातों को किरण। प्यार, तुम पागल तो नहीं हो गई हो तुम? प्यार करने की कोई वक्त की पाबंदी नहीं होती किरण, कभी भी किया जा सकता है। आज हमारा थाना रियासत रतनपुर का पहला दिन है, इसलिए आज हम इन बातों में पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए हम किरण चल रहे हैं, तुम अपना ख्याल। किरण एक बात तो मान लो, हम तो चाहते हैं कि सारा दिन सारी उम्र तुम्हारी बाहों में ही अपनी जिंदगी बिताऊं। हाँ स्वामी। हाँ किरण, किरण हाय तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे के मर जाएंगे और क्या Yeah.